नमस्कार दोस्तों, कहते हैं दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और समय समय पर रहस्यों से पर्दे हटते रहे हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके पर्दा हटाने की जितनी बार कोशिश हुई रहस्य और भी गहरा होता चला गया। ऐसे ही कई रहस्यों को छिपाए हुए हैं भारत के कुछ महल, खंडर, मंदिर और किले। कहते हैं कई लोगों ने इन जगहों के रहस्यों को जानने के लिए जान की बाजी भी लगाई और अपनी जान भी गंवाई, लेकिन राज आज भी बरकरार है क्योंकि ये जगह हैं श्रापित। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में। दुनिया में लाखों भूतिया जगह हैं, पर आज हम भारत के सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घोस्ट जैसी चीजों में रुचि रखते हैं और जो विज्ञान के परे जाने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए है जो साइंस यानी विज्ञान के लिमिटेड दुनिया को छोड़ उसके परे जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना। लाइट बंद करो, एक जगह बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। नंबर वन पर है राजस्थान के बाड़मेर जिले का किराड़ू मंदिर। कहते हैं वर्षों पहले किराड़ू में एक तपस्वी पधारे। इनके साथ शिष्यों की एक टोली थी। तपस्वी एक दिन शिष्यों को गांव में छोड़कर देश में घूमने के लिए चले गए। इसी बीच इनके शिष्यों की तबीयत खराब हो गई। गांव वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। तपस्वी जब वापस किराड़ू लौटे और अपने शिष्यों की दुर्दशा देखी तो गांव वालों को श्राप दे दिया कि जहां के लोगों के दिल पत्थर के हैं वह इंसान बने रहने योग्य नहीं हैं, इसलिए सब पत्थर के हो जाएं। आज भी लोग बताते हैं कि यहां साधु का श्राप बना हुआ है और शाम ढलने के बाद यहां कोई भी नहीं रुकता। राजस्थान में किराड़ू मंदिर के अलावा एक किला और है जिसे श्रापित माना जाता है। इस किले के बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से चेतावनी लगाई गई है कि रात के समय में किले में प्रवेश वर्जित है। यह बदनाम किला है भानगढ़ का किला। कहते हैं इस किले को एक तांत्रिक का श्राप है। तांत्रिक के श्राप की वजह से किला रातों रात वीरान हो गया। ऐसा माना जाता है कि किले में उस तांत्रिक का श्राप आज भी कायम है और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि दिन के समय सैकड़ों लोग इस किले में मजे से घूमने आते हैं। नंबर दो पर है जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर कुलधारा गांव। करीब 200 सालों से वीरान इस गांव को श्रापित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में बालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। गांव की एक लड़की पर दीवान की गंदी नज़र थी और उसे पाने के लिए दीवान ने गाँव वालों को धमकी दी। परेशान गांव वालों ने रातों रात गांव छोड़ दिया और जाते जाते श्राप दे दिया कि कभी यह गांव आबाद नहीं होगा। इस श्राप के कारण आज भी यह गांव वीरान है और ऐसा माना जाता है कि अक्सर इस गांव में अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। नंबर तीन पर है झारखंड की राजधानी रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर पिठौरिया गांव में राजा जगतपाल सिंह का किला। इस किले को श्रापित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा जगतपाल ने क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के खिलाफ अंग्रेजों का पक्ष लेते हुए गवाही दी थी, जिससे क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव की मौत की सजा मिली। मरते हुए सहदेव ने साफ दिया कि जगतपाल का किला वीरान हो जाएगा और इस पर बिजली गिरेगी। उस श्राप के कारण किले पर आज भी वर्षों से बिजली गिरती आ रही है। नंबर चार पर है बाजीराव मस्तानी का किला, जिसे शनिवार बाड़ा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में पेशवा नारायण कुमराव को सुमेर सिंह ने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। मरते समय नारायण राव चिल्ला रहे थे कि राघव मुझे बचा लो। लोगों का कहना है कि आज भी इस श्रापित किले से ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। ये सब बातें सुनने में अजीब जरूर हैं और इन पर आसानी से विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज तक कई लोगों ने इन सभी घटनाओं को देखा है जिनसे कुछ तो वापस आ सके और कुछ नहीं। आपका इस बारे में क्या विचार है हमें ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।